इस देश को हरा भरा करने के संकल्प के साथ सभी अतिथिगण, मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। एक लंबी यात्रा हमारी रही जब देश हमारा आजाद हुआ, और इस लंबी यात्रा के अंदर हमने लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए और देश के विकास को आगे बढ़ाने में सभी का सामूहिक रूप से सहयोग रहा। इस आजादी के 75 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। जल, जंगल, जमीन के लिए एक लंबा संघर्ष लोगों ने किया। उस समय पर्यावरण की महत्वता लोग कम समझते थे, लेकिन आज सारे विश्व के अंदर जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण की महत्वता को भारत ने विशेष रूप से समझा। ऐसे हमारी पुरानी संस्कृति के अंदर हमेशा हमने पेड़ की पूजा की है, लेकिन बीच का अंतराल ऐसा आया था जब धीरे धीरे हमारे काफी जंगल कटने लगे। उस कारण से भारत में भी जलवायु परिवर्तन के कारण हमने कई प्रकोप देखे, लेकिन अब भारत जलवायु परिवर्तन पर्यावरण में आज विश्व के अंदर सबसे अग्रिम रूप से नेतृत्व करता है। मोदी जी एक कमिटी के सदस्य हैं, दुनिया के अंदर जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इन्होंने बहुत समझा है, और यही मन उनका हमेशा रहता है। और उनके इसी संकट के कारण काफी लंबे समय से जब मैं पूरा इतिहास पढ़ रहा था तो कितना इनको व्यक्तिशर प्रयास करना पड़ा इस मेट्रो के कार्यालय को यहां हटाने के, लेकिन एक संकल्प था, दृढ़ निश्चय था कि पार्क में कैसे ऑफिस चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग भी है, लेकिन फिर भी इस VIP इलाके में ऑफिस चल रहे थे। उन्होंने प्रयास के अनंत सफलता प्राप्त की, और मुझे याद है कि इस पार्क का जब उद्घाटन कर रहे थे तो उनका सपना था कि मैं दिल्ली का सबसे बढ़िया पार्क बनाऊं, और आप सबने इसके लिए सहयोग किया। NDFC ने भी बहुत सहयोग किया, और ये आज पार्क विशेष रूप से दिल्ली का महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पार्क में से एक है। विशेष रूप से कौन साहब ने भी जिक्र किया, रूपाला साहब ने जिक्र किया, सामान्य रूप से जो ट्रैक है वह हार्ड होती है जिसके कारण सिप पेन हो जाता है, घुटनों का पेन हो जाता है। इसलिए इस तरीके की ट्रैक बनाने की आवश्यकता अब हर पार्क के अंदर है, जिसका MDFC ने भी इस दिशा में काम करने का प्रयास किया। आज यहाँ एक और महत्वपूर्ण काम हो रहा है कि फलदार पौधे लगाने का एक अभियान शुरू हो रहा है।
ये बात सही है कि दिल्ली के अंदर जितनी ग्रीनरी लुटियन जोन्स में है शायद कहीं नहीं होगी, लेकिन इस लुटियन जोन के अंदर फल वाले पौधे बहुत कम हैं। मेरे मकान के अंदर भी इतने पेड़ लगे हुए हैं लेकिन 3-4 पौधे ही फल वाले हैं। एक दिन रूड़ी साहब ने कहा कि अब मैं आपके घर पर फल वाले पौधे लगाऊंगा, और हुआ ये कि 2 साल के अंदर ही कई फलों के अंदर अच्छे नींबू आने लगे। ICR के अधिकारी बैठे हैं कि नई जो वैरायटी है वो 3 साल के अंदर आम देने लग जाता, बेहतरीन तरीके का आम देने लगता। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम सब लोग कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हमें व्यापक रूप से अभियान भी चलाना चाहिए कि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण के लिए पेड़ जरूरी है, औषधि के लिए पेड़ जरूरी है, फल के लिए पौधे जरूरी हैं, उसके बाद भी हम इसको व्यापक जन आंदोलन नहीं बना पाए। जब आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं तो समाज में एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, और दुनिया के अंदर सबसे पर्यावरण की दृष्टि से भारत हो ये हमारा संकल्प होना चाहिए। क्योंकि आप विशेष रूप से कई राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नर भी बैठे हैं, सभी राज्यों के अंदर इसको सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है, तो आने वाले समय के अंदर हम बदलती जलवायु परिवर्तन में पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, विशेष रूप से रूड़ी जी के प्रयासों पर जिन्होंने आज दिल्ली के अंदर फलदार पौधे लगाने का व्यापक अभियान चलाया है। और मुझे आशा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, राज्य और केंद्र का दोनों मिलकर एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे कि देश में एक अच्छी नर्सरियां रहे, हर जिले में नर्सरी रहे और वहाँ पर फलदार और अच्छी वैरायटी के पौधे मिले, ताकि सब लगाने के लिए उत्सुकता के साथ इस कार्य को करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।